हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आपके लिए फ्रेश नारियल से बनी बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई लेकर आई हूँ, जो कि आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आइए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 फ्रेश नारियल, जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं और इसके ऊपर के छिलके मैंने चाकू की हेल्प से निकाल लिए हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है नेस्ले का मिल्क पाउडर, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नारियल को मिक्सर में बिल्कुल बारीक पीस लिया है, ये 2 कटोरी हुआ है। 2 कटोरी नारियल के लिए हमें 3 कटोरी मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। ये कटोरी सेम साइज़ है। 2 कटोरी नारियल के लिए हमें यहाँ पर 3 कटोरी मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर बादाम और किशमिश ज़्यादा ली है, आप भी हो सके तो यही ज़्यादा लें। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ काजू और पिस्ता लिए हैं, जिसको मैंने कट कर लिया है। अब हम इन सबका एक डो रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पर लिए एक बड़ी सी प्लेट, जिसे हम थाली भी बोलते हैं, उसके अंदर सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ फ्रेश नारियल पिसा हुआ। अब इसी के अंदर मैं डालूंगी ये मिल्क पाउडर, सारा मिल्क पाउडर हम डाल देंगे एक साथ। अब मैंने उसी कटोरी से ये आधी कटोरी शक्कर ली है, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। ये वही कटोरी है जिससे हमने मिल्क पाउडर को नापा था। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये 1 इलायची का पाउडर। अब हम इन सबको अच्छे से गूंथ लेंगे और एक अच्छा सा डो रेडी करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें गूंथना है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। जैसे जैसे हम इसे गूंथते जाएंगे, ये लिक्विड होता जाएगा। ये देखिए, हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक नाइफ लिया है, जिसे मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस डो के 2 हिस्से करेंगे कुछ इस तरह से। दोनों हिस्सों को अलग कर लेंगे। जब भी आपको लगे कि हमारा डो हमारे हाथों पर ज़्यादा चिपक रहा है, आप टाइम टाइम पर हाथों को घी से ग्रीस करते रहें, फिर ये चिपकेगा नहीं। आप घी लगाने में किसी तरह की कोई कंजूसी ना करें। अब हम इस डो को अच्छे से एक बार और स्मूथ कर लेंगे। अब एक डो को हम अलग कर देंगे और दूसरे डो के अंदर हम ये 1 पिंच फूड कलर डालेंगे। आप चाहे तो कोई सा एसेंस भी डाल सकती है। मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की पॉलीथीन ली है, बिल्कुल प्लेन, जिसमें कपड़े पैकिंग करते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पर एक बेलन लिया है, इसे भी अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है और पॉलीथीन को भी अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। घी में किसी भी तरह की कोई कंजूसी ना करें। अब हम ये फूड कलर वाला डो लेंगे और इसे कुछ इस तरह से हल्के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, ताकि इसे बेलने में और भी आसानी हो। अब हमें इसकी एक रोटी बनानी है, इसे गोल शेप देना है। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे बेलना है, इसे ना ही बहुत ज़्यादा मोटा ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलें। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि हमें कितनी साइज़ में इसे बेलना है। बीच बीच में इसे हल्के हाथ से प्रेस करते जाएं। ये देखिए, कुछ इस तरह से। एक बार और इसे बेलन से अच्छे से प्रेस कर दें, अच्छे से बेल लें। वापस इसे हाथ से अच्छे से सेट कर लें। इसे बिल्कुल राउंड शेप में बेलना है। अब इसके अंदर डालूंगी मैं ये ड्राई फ्रूट्स, इसे चारों तरफ फैलाते हुए डालना है। इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाएं। इसे हाथ से हल्का हल्का प्रेस भी करते जाएं, ताकि हमारे ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छे से चिपक जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। वैसे भी ये बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर किशमिश डाली है, जो कि एक बाइंडिंग का काम करेगी। अब हम पॉलीथीन की हेल्प से कुछ इस तरह से इसे रोल करते जाएंगे।
बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता हमें इसे रोल करना है वरना ये टूट जाएगा और इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे रोल करते जाना है और हल्का हल्का सा प्रेस भी करते जाना है। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अब इसे हाथों की हेल्प से कुछ इस तरह से बेल लें, इसे एक जैसा कर दें। ये कहीं से मोटा कहीं से पतला है, अब आप इसे हाथ की हेल्प से एक जैसा शेप दे सकती है। अब हम दोनों मुंह भी इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए मैंने इसके दोनों साइड्स को अच्छे से पैक कर लिया है, आप जो चाहें वो इसे शेप दे सकती हैं। आप चाहें तो इसे राउंड शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप दे सकते हैं। अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर पॉलीथीन को दोबारा से अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है और बेलन को भी, और मैंने ये वाइट डो जो हमने अलग से रखा था उसको ले लिया है। अब हम सेम वही प्रोसेस दोहराएंगे, इसे बेलन की हेल्प से गोल गोल शेप में बेलेंगे। इस तरह से पॉलीथीन को घुमाते हुए हमें इसे राउंड शेप में बेलना है और इसे हाथ से प्रेस करते जाना है। कुछ हाथ की हेल्प से कुछ बेलन की हेल्प से, देखिए आप देख सकते हैं इसकी साइज, ये कितना मोटा या कितना पतला है। अब हम इसके ऊपर फूड कलर वाला रोल रख देंगे बिल्कुल आहिस्ता से, कुछ इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और इसे भी सेम उसी तरह से हमें रोल करना है जैसे कि ये फूड कलर वाला किया था। हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है और इसे आहिस्ता आहिस्ता रोल करते जाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए हमारा रोल लगभग रेडी हो चुका है। अब आप हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लें, हाथों से इस तरह से गोल गोल घुमाते जाए, इसे प्रेस करते जाए और एक जैसा सेट कर लें इसको। ये देखिए हमारा रोल सेट हो चुका है, ये काफ़ी लंबा हो चुका था इसलिए मैंने इसके दो हिस्से कर लिए हैं और पॉलीथीन के भी दो हिस्से कर लिए हैं। मैंने इसको कैंची से कट कर लिया है, आप जो चाहें वो इसे शेप दे सकती हैं। मैंने यहाँ पर चौकोर शेप दिया है। अब हम इसी पॉलीथीन के अंदर इसे अच्छी तरह से लपेट कर रख देंगे। ये देखिए इसी पॉलीथीन के अंदर हमें इसे अच्छे से लपेटना है और इसके दोनों मुंह को दोनों साइड्स को बंद कर देना है। इसे हाथों की हेल्प से अच्छी तरह से प्रेस करें और जो भी शेप देना चाहें वो दें। अब हम इसे लगभग 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए मैंने दोनों रोल्स को अच्छे से रेडी कर लिया है, अब मैं इसे लगभग 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ सेट होने के लिए। ये देखिए इसे 2 घंटे हो गए हैं, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। यकीन मानिए आपको मेरी ये मिठाई नारियल के लड्डुओं से भी कई ज़्यादा पसंद आएगी, जिसकी रेसिपी मैं पिछले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट ले ली है, अब धीरे धीरे हमें इसकी पॉलीथीन को हटाना है। ये देखिए हमारी मिठाई कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है। अब हम इसे कट करके देखेंगे कि ये अच्छे से सेट हुई या नहीं। वैसे तो ये खाने के लिए अभी भी रेडी है, लेकिन अगर आप इसे आज की बजाय कल खाएं, जिस दिन बनाए उसके अगले दिन, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। वैसे आप इसे जिस दिन बनाए उस दिन भी खा सकते हैं। ये देखिए हम इसे नाइफ़ की हेल्प से धीरे धीरे इस तरह से पीसेस कट करेंगे और नाइफ़ को अच्छे से घी से ग्रीस करें पहले। आप देख सकते हैं हमारी मिठाई कितनी शानदार बनकर रेडी हुई है। देखिए मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है।
आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।